फॉर केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल में देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल होता क्या है। सपोज करो कि आप जब कहीं जाते हो सामान खरीदने, समझ लो आपने आलू खरीद लिया, तो आप क्या कुछ क्वांटिटी बोल दो, एक केजी दो केजी, मतलब क्या एक केजी दो केजी का क्वांटिटी है। सपोज करो आप पेंसिल खरीदने जा रहे हो, क्या बोलते हैं एक दर्जन पेंसिल। सपोज करो आप कुछ कुछ भी खरीदने जा रहे हो, कोई भी सामान खरीदने, तो कुछ क्वांटिटी बोल दो, एक केजी, एक दर्जन, नंबर ऑफ पीसेस। तो मोल बेसिकली क्या है, क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि एक मोल में कितना एटम्स होगा, कितना मॉलिक्यूल होगा, कितना कंपाउंड होगा, कितना आयंस होगा, ये हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मोल बेसिकली क्या है, क्वांटिटी है। सपोज करो मैंने बोला कि मैं बोलूं एक मोल, इसका मतलब जब आप बोलोगे कि एक मोल मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 6.023 × 10³ पार्टिकल्स आपको ये देगा। जैसे आपने बताया कि आपको एक दर्जन पेंसिल है, इसका मतलब उस शॉपकीपर ने आपको 12 पेंसिल दे दी। उसी तरह आप जब बताओ कि मुझे एक मोल एटम चाहिए, एक मोल मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसका मतलब वो दुकानदार आपको क्या करेगा, 6.023 × 10³ पार्टिकल्स आपको उठा के दे देगा। पार्टिकल्स मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल, मे बी आयंस, मे बी इलेक्ट्रॉन्स, मे बी प्रोटॉन, मे बी न्यूट्रॉन्स, मे बी अल्फा पार्टिकल, कोई भी, मे बी नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वो तो मॉलिक्यूल के अंदर ही आ गया। तो जब भी आप एक मोल बोलोगे, इसका मतलब 6.023 × 10³ पार्टिकल्स वो अंडरस्टूड है। इसका मतलब इतना या तो एटम उठा के आपको दे देगा, मॉलिक्यूल उठा के दे देगा, या तो आयंस उठा के दे देगा, या इलेक्ट्रॉन्स उठा के दे देगा, प्रोटॉन्स उठा के दे देगा, न्यूट्रॉन्स उठा के दे देगा, और अल्फा पार्टिकल, जो भी नंबर ऑफ केमिकल पार्टिकल्स आपको वो उठा के दे देगा। मोल क्वांटिटी है। अब सपोज करिए वैल्यू क्या है, ये फिक्स वैल्यू है, उसको बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, एवोगैड्रो नंबर। ये फिक्स वैल्यू होता है, यानी 6.023 × 10³। कभी कभी क्या होता है, 6.022 भी लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही है। सपोज करो कि अगर आप 6.022 लेने की वजह से वैल्यू ईजी आ रहा है, कैलकुलेशन ईजी आ रहा है, तो आप 6.022 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू 6.023 × 10³ पार्टिकल्स, ये इसका इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब मैंने बोला सपोज करो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6.023 × 10³। सपोज करो मैंने बोला 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है एक मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना, 6.023 × 10³। ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय क्या, एन, क्योंकि एक मोल में एन नंबर पार्टिकल्स, तो हम लोग नंबर पार्टिकल बाय एन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू मोल इंटू एन, तो ये एक अभी मतलब फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े, इन दोनों का सेम ही है, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट ये फॉर्मूला है जिसमें क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। अब मैंने बोला
Shots on. One mole of electron. ये निकालना है. कैसे निकालो? एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 96.5. और हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे तो एक मोल पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का उसी को हम लोग वन फ्राइडे भी बोलते हैं. बाद में पढ़ेंगे, ये बात की बात है. मतलब एक मोल पे जितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे वन फ्राइडे इलेक्ट्रॉन के लिए. ये हमसे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होता है कैलकुलेट करने में 96.5 है. इस सबसे कैलकुलेट करना. सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज on one mole of Mg2+. Suppose करो. कैसे करोगे? कहाँ से? पहले मैंने बताया कि एक Mg2+ एक एटम पे कितना चार्ज है? दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है. तो पहले मैं नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम निकाल लेता हूँ. क्या है? नंबर ऑफ Mg2+ क्या आएगा? वन इंटू लेने एक पे दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है तो इतना पे कितना टोटल चार्ज? वन एन इंटू क्या? टू इंटू चार इलेक्ट्रॉन क्या? 1.6 × 10⁻¹⁹. सपोज क्वेश्चन मैंने बोला टोटल चार्ज ऑन टू मोल ऑफ सोडियम प्लस. फिर से सेम, पहले नंबर ऑफ सोडियम आइटम निकाल लो आयन. टोटल नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा? 2 × Na. चार्ज एक सोडियम पे कितना चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है. बेसिकली प्रोटॉन है लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बैटरी का सेम होता है. दोनों पढ़ेंगे थोड़ा बहुत फंडामेंटल ऑफ चार्ज पार्टिकल में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या मैग्नीट्यूड सेम होता है. बस नेगेटिव एक नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा प्रोटॉन क्या होगा पॉजिटिव होगा. तो 2 × N तो चार्ज क्या होगा? चार्ज इक्वल्स टू 2 × Na × 1 × क्या 1.6 × 10⁻¹⁹. सपोज का मैं क्वेश्चन फोर्थ बोला टोटल चार्ज ऑन वन मोल ऑफ कार्बोनेट आयन. कैसे निकालोगे? एक मोल में कितने कार्बोनेट आयन होंगे? लेने के बराबर एक मॉलिक्यूल पे ये इस आयन पे कितने चार्ज है? दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है. इतने पे कितना कैलकुलेट कर लेंगे. ऐसे कैलकुलेट करना. इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सपोज करो आपको कैलकुलेट करना है. अब नया क्वेश्चन लोग करते हैं. मैं रफ कर रहा हूं आप उस साइड लिखो. आप ध्यान से नोट करना है तभी आप नोट बना पाओगे. ध्यान से नोट करो सारे कॉपी में लिखो अच्छे से. ये तो क्या था? चार्ज निकालना था आपको. अब सपोज करो मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैंने क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+. पहले एक एल्युमिनियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन. तो पहले नंबर ऑफ एल्युमिनियम निकाल लो. नंबर ऑफ एल्युमिनियम कितना है? 1 × Na. इतना एल्युमिनियम आयन है तो इंटू क्या
10 कर दिए ये टोटल नंबर क्या आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। आगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल ऑफ वाटर, सपोज करो तो एक वाटर मॉलिक्यूल पे जो वाटर का कंपाउंड है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन 8, हाइड्रोजन में कितना 1, तो दो हाइड्रोजन कितना 2, वाटर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। एक वाटर मॉलिक्यूल पे कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल की एक मोल का मतलब क्या 1 * Na टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आ गया * का 10 करें तो क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, ऐसा लोग चार्ज कैलकुलेट करते हैं। हेलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मेरा कह रहा हूं आप कॉलम बना लो इंफॉर्मेशन के लिए, हम जो मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो बेसिक से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये आ गया तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे चीजों को और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। कुछ कुछ पहले इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है।